सच में परमेश्वर, क्रूस के ऊपर तूने मनुष्य के लिए बलिदान किया है, किसी प्राणी के लिए, किसी पशु के लिए नहीं, तूने मनुष्य के लिए बलिदान किया है। इज़राइल को, मनुष्य जाति को तूने अपना प्रजा बनाया। प्रभु परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ज्योतियों में निवास करने वाले मेरे परमेश्वर, मनुष्य के साथ तेरा रिश्ता है प्रभु परमेश्वर, इसको कौन इनकार कर सकता है। रबांत इकब ओ सहाल रबाह का सियांदुरा, मनुष्य के पास परमेश्वर तेरा ध्यान है खुदा, वो तुझे ढूंढता है खुदा परमेश्वर, वो तुझे परमेश्वर परखना चाहता है, वो तेरे पास परमेश्वर पिता आना चाहता है, लेकिन वो खोजता रहता है और तू उसे प्राप्त होने तक वो भटकता रहता है मेरे परमेश्वर। मनुष्य नहीं समझ पाता है खुदा, सच में मनुष्य इस रहस्य की बातों को नहीं समझ पाएगा जब तक तू उसके ऊपर प्रकाशन नहीं देगा। रिबांत इखा सह कब रहा लरबाह खसा अधि एह कब नहुल रहा सह कब नहुल रहा सियांदुरा। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ऐसी रहस्यमय बातें हैं खुदा, जो रोचक है खुदा, और जो सचमुच परमेश्वर लुभा लेती है मन को, और पिता परमेश्वर वो सच लगने लगती है। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, वो ऐसे कितने सारी बातें और भी इस संसार के अंदर, इस विश्व के अंदर पड़ी हुई है, अगर वो हमारे समझ में आ जाए खुदा, तो हम अपने आप को खो देंगे उसके पीछे जाते जाते। इतना कुछ है इस विश्व के अंदर मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस इतना सब कुछ तू बनाने वाला परमेश्वर, और तू हमारे संगति में, तू अपना घर हमारे हृदय में बनाना चाहता है, हमारे टूटे हृदयों के अंदर तू आकर निवास करना चाहता है मेरे अबा फादर गॉड। तूने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस का बलिदान होने के लिए हमारे लिए भेज दिया। इस क्रूस का बलिदान हमारे लिए पापों के माफ़ी के लिए दिया गया। हमें दूसरे ग्रहों से क्या लेना देना खुदा, वहाँ पर क्या हो रहा है और वहाँ पर के मनुष्य क्या कहते हैं और वहाँ से हमको क्या करना है खुदा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्रूस नहीं उठाया। मेरे पिता, मैं इस बात की तसल्ली लेती हूँ अपने अंदर कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए क्रूस के ऊपर गया और मैं मनुष्य जाति में गिनती की गई हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यूहन्ना के अध्याय में लिखा है पिता परमेश्वर कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर के आत्मा से जन्मा है। मैं धन्यवाद करती हूँ अब्बा फादर गॉड, तेरा वचन कहता है कि जो मनुष्य से जन्मा है वो शारीरिक है, मांस और लहू की इच्छा से जन्मा है वो शारीरिक है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो परमेश्वर से जन्मा है। और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया उन सबको परमेश्वर ने उसके संतान होने का अधिकार दिया। रबांत अखसे है कबनो हुल रहासी आंधुरा, विश्व को बनाने वाले मेरे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मुझे अपनी पहचान दिखाने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ, मुझे अपने आप को दिखाने के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैंने समझ लिया है कि सच में तू आत्माओं का परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। सारे सृष्टि के अंदर जितने भी देहधारी है वो तेरे ही बनाए हुए हैं खुदा, लेकिन सबके पास तेरा ज्ञान नहीं है खुदा, सब तुझे नहीं जानते हैं खुदा परमेश्वर, लेकिन तू सबको जानता है खुदा। उनमें से तूने मुझे चुन लिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। रबांत इखा सह कब नहुल रहा सियांदुरा, रेदान इखुब उहुशकर खाती नमक हासी इखब नहुल रहा सियांदुरा। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, धन्यवाद हो आप फादर गॉड। रिबांत इखा सह कब नहुल रहा सी इन तरह लरबाह खसा, शब एक तीन इरखा सह कब रहुल रहा असे स्किन बव को तना लरबाह खसा, लद उल अरख सह कब उहुशकर खाती नमक हासी इन तरह लरबाह खसा, रिदान इखुब ओहुशकर खाती न मगहा सिंह तरह लरुबहो को से अहद इह लरुबहो को सी आंतर खम्ब रखा लरुबहा कसा। I love you अबा फादर गॉड, मुझे आपसे प्रेम है परमेश्वर, और मुझे फक्र फील होता है खुदा कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, क्योंकि मैंने प्रेम को कभी नहीं समझा था खुदा। मुझे सच में नहीं पता था
ये शब्द का अर्थ क्या बनता है और इसको किस प्रकार से समझा जाता है। लेकिन परमेश्वर, जब मैं तेरे करीब हूँ तब मैंने समझा ये प्रेम क्या होता है। मेरा परमेश्वर तू प्रेम है। रबांत इखा सह कब असहील रबाह खसा रदान इखुब ओहकर खाती न मगहास इ कब नहुल रहासी आंदुरा रदीन अखुब ओहकर खाती न मगहास इ कब रहुल रहासा अज ए कब नहुल रहा अदान इखुब ओहकर खाती न मगहासी आंदुरा कब रखासा। मेरे शरीर को तूने माफ़ करने के लिए, मेरे शरीर को मिट्टी में मिल जाने के लिए परमेश्वर पिता परमेश्वर तूने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। मेरे परमेश्वर तूने उसके गुनाह माफ़ करके उसमें रखा हुआ आत्मा तूने अपने पास ले लिया। मेरे परमेश्वर मेरे आत्मा को तूने रिजर्व कर लिया। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मुझे तूने रजिस्टर्ड कर लिया तेरे स्वर्ग के राज्य के अंदर। मेरे आत्मा को तूने रजिस्टर्ड कर दिया पिता, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ये शरीर सिर्फ एक बर्तन है अब मेरे लिए, इस शरीर के साथ मुझे सिर्फ तेरे धर्म के काम करने हैं खुदा। धन्यवाद करती हूँ पिता, इस शरीर का बोझ से तूने मुझे छुड़ा लिया खुदा। इस शरीर में पाप का बोझ पड़ा हुआ था, उसमें से तूने मुझे आज़ाद किया। प्रभु यीशु मसीह तूने मुझे आज़ाद किया, मृत्यु के दंड में से तूने मुझे आज़ाद किया। कब्र मेरे लिए नहीं है, कब्र के कोई डर मेरे लिए नहीं है और कब्र के किसी भी शक्तियाँ मेरे विरोध में आ नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। मेरा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर, वो मृत्यु के ऊपर फतह पा चुका है और इसके लिए कब्र मुझसे डरता है, क्योंकि जीवन कब्र के साथ जोड़ और मेल नहीं खाता है, कब्र में जीवन नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर जीवनदायी स्रोत है, कब्र मेरे लिए नहीं है। रबांत खासे कब असहील रबाह खसा अदन इखब ओहकर खाती नमक हसी आंदुरा। मेरा आत्मा छुट चुका है, मेरा आत्मा परमेश्वर के लिए छुट चुका है, मेरा आत्मा परमेश्वर के संगति के लिए आज़ाद हो चुका है, मेरा आत्मा परमेश्वर के लिए आज़ाद हो चुका है, मेरा आत्मा परमेश्वर के आराधना करने के लिए उसके आराधक बनने के लिए आज़ाद हो चुका है, मेरा आत्मा परमेश्वर को पुकारने के लिए आज़ाद हो चुका है, मेरा आत्मा पाप को इनकार करने के लिए आजाद हो चुका है। मेरा परमेश्वर मुझे सिखाता है और मैं उसके धर्म के मार्गों से, सच्चाई के मार्गों से मैं अपने जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर जीती हूँ। मुझे किस अंधकार का डर और मुझे किस प्रकार का भय, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझ में रहता है और मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ है, मेरा उजियाला है। मेरे लिए सामने दिखने वाला रास्ता वो मेरा उजियाला है, मेरा परमेश्वर मेरा रास्ता दिखाने वाला है, उजियाले से मुझे दिखाने वाला है और वही मेरे मार्ग बनाता है। धर्मियों के मार्ग वो फुटस्टेप्स परमेश्वर बनाता है। रबांत अखा सहकब असहील रबाह खसा लाद उल अरे खा सहकब असहील रबाह खसा। मुझे जो चाहिए मेरे परमेश्वर से मैं मांगूंगी, मुझे जो चाहिए मेरे परमेश्वर के सामने मैं रखूंगी और वो मेरा आबा पीता है, वो मेरा आबा पीता है, वो मेरे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे लिए सब कुछ का न्याय करेगा, सब कुछ के लिए वो मेरी अगुवाई करेगा, वो मेरे लिए एडवोकेट है, वो मेरे लिए सब जगह में मेरी एडवोकेसी करेगा, वो मेरी तरफ से बात करेगा, मेरे लिए जहाँ भी जो भी ज़रूरत है वो मेरे लिए उतर कर आएगा और मुझसे मेरे कारण वो लोगों से बात करेगा, वो मेरे कारण जगह जगह गवर्नमेंट ऑफिसर्स में बात करेगा, वो मेरे कारण मेरे घर के इर्द गिर्द में बात करेगा, वो मेरे कारण लड़ेगा, वो मेरे कारण हर अंधकार के ताकत से लड़ेगा, वो मेरे कारण उसके आत्माओं को भेजेगा, वो मेरे कारण उसके स्वर्ग के सेनाओं को भेजेगा, वो मेरे कारण सब कुछ करेगा, क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसकी संतान हूँ और मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदी गई हूँ। रबांत इखा सहकब असहील रबाह खसा रिदान इखब ओहकर खाती न मगहासी आंदुरा। जब क्रूस पर था प्रभु यीशु मसीह तब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, तू एली को पुकारता है, देखे एली तुझे बचाने को आता है क्या। मेरा परमेश्वर आज अगर तू परमेश्वर इनकी सुनता है तो मेरे खुदा परमेश्वर वो ज़रूर इसका जवाब पाएगा। खुदा परमेश्वर अब फादर गॉड, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर था, वो मरा हुआ नहीं था,
तब तक के लिए उसने अपने सारे रोष और जोश को शांत रखा था, लेकिन जैसे ही वो मर गया उसके बाद जो पुनरुत्थित हुआ प्रभु यीशु मसीह, उसके साथ मैं पुनरुत्थित हो चुकी हूँ और वो मेरे लिए बात करता है, वो मेरे लिए बात करता है और मेरे लिए वो अपना गुस्सा दिखाता है और वो दिखा देता है कि एली को पुकारने वाला, परमेश्वर को पुकारने वाला परमेश्वर का सहायता किस प्रकार से प्राप्त करता है, वो लोगों को दिखाएगा, मेरा परमेश्वर दिखाएगा। रबांत खा सहकब उस हाल रबाह खसा, वो मृत्यु के पहले वाली बात थी कि वो लोग यीशु मसीह को मजाक में उड़ा दिए, लेकिन अब वो बात नहीं है। पुनरुत्थान के बाद अब परमेश्वर को मजाक में उड़ा देना लोगों के लिए भयावह ठहरेगा। रबाखा सहकब ओसहाल रबाखा सा, मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं फक्र करती हूँ कि मैं तेरे संगति में हूँ। मैं इस बात का गर्व रखती हूँ कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान हूँ। रबांत इखा सहकब ओसहाल रबाखा सा, रदान इखब ओशकर खाती न मगहा, रिद इल अरबा खा सहकब ओशकर खाती न मगहा, लहद उल अरेखा से ही कब्बर हुल रहा सियांदुरा। थैंक यू जीसस। रेद इल अरेब खसे ही कब्ब ओशकर खाती नमगो हो सियांदुरा खंब रखा सा। लहद उल अरेखा से ही कब्बर हुल रहा सियांदुरा। रिदान में खसे ही कब्बर रहा लर बहो को से। अदीन इखब ओशकर खाती नमग हा सियांदुरा। रिदेन इखब हुल रहा से ही कब्बर हुल रहा सियांदुरा। रदान मखसे ही कब्बर रहा लर बह का सा। उदान मख शरब खसे ही कब्बर हुल रहा सियांदुरा। रिदान में खसे ही कब्बर रहा लर बहो को से। अतकिन भाई कब हुदियांदुरा खंब रखा लर बह का सा। लादगुल एखतीन रखा से ही कब्बर रहा लर बह का सा। धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर, धर्म के कामों में तूने मुझे इस्तेमाल किया परमेश्वर। 2001 से लेकर आज समय तक धर्म के कामों में तूने मुझे इतना इस्तेमाल किया परमेश्वर, मेरे सोचने से भी ज़्यादा तूने मेरा इस्तेमाल किया परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे लिए परमेश्वर वो सब कुछ ट्रेशर्स है खुदा परमेश्वर, जो तेरे स्वर्ग के धर्म के कामों में मैंने अपने जीवन को उंडेल दिया खुदा परमेश्वर। ये मेरे लिए बहुत बड़ा फक्र करने का बात है खुदा, ये मेरे लिए गर्व की बात है खुदा परमेश्वर, और मैं इसमें आनंदित हूँ खुदा। रबांत इखा सहकब उसहाल रबह खसा। शबद किन भय कब हुदियांदुर खंब रखा सा। रिदान मख सह कब्बर हुल रहा सियांदुरा। रिदान मख सह कब्बर रहा लर बहा खसा। मेरे परमेश्वर ने पहला मुझसे प्रेम किया, उसके बाद मैंने समझा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है और परमेश्वर क्या कहता है मुझसे और मेरे से उसकी क्या आशा लगी है, वो मैंने उसके बाद समझा। मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर आसम गॉड है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर के अंदर मैं बूस्ट करूंगी, मेरे परमेश्वर के अंदर मैं गर्व करूंगी। रबांत खा सहकब उसहाल रबह खसा। अदान इखब ओशकर खाती नमग हा सियांदुरा। रिदान इखब ओशकर खाती नमग हा सियांदुरा। लाद उल अरख सहकब रहा रबह खसा। अद इल अरब सहकब रहुल रहा सियांदुरा। अद इन इखब अहशर खातीन रबह खसा। अद इल अरब सहकब रहा रबह खसा। मुझे तूने यूनिक बनाया है परमेश्वर पिता, मुझे तूने यूनिक क्वालिटीज के साथ बनाया है, मुझे तूने यूनिक ऐसे क्वांटिटी में बनाया है मेरा परमेश्वर। तूने मेरी रचना तेरे योजना के लिए किया है, मेरे अंदर के बदलाव तूने अपने फायदे के लिए किए हैं, मेरे अंदर तूने कुछ रखा वो तेरे योजना के लिए है, मेरे अंदर से तूने कुछ निकाल दिया वो तेरे योजना के लिए है। मैं तुझ में संतुष्ट हूँ मेरे परमेश्वर, मैं तुझ में आनंदित हूँ मेरे परमेश्वर। रबांत इखा सहकब ओसहाल रबह खसा। अज अहकम नहुल रहा अजाज किन बहुकोतन अल अरबा खसे। अद इल अरब खसी ही कब ओशकर खातीन अखुम्ब ओशरा खसा। मैं तुझ में आनंदित हूँ मेरे परमेश्वर, मैं तेरे सारे फैसलों के अंदर आनंदित हूँ खुदा परमेश्वर, तेरे वचनों में मैं आनंदित हूँ परमेश्वर। तेरे वचन जिस प्रकार से वर्णन करते हैं मेरे बारे में, मैं उसके बारे में संतुष्ट हूँ मेरे परमेश्वर। रबांत इखा सहकब ओसहाल अरबाह खसा। अद इल अरब सहकब ओहला रहा सहस्किन बहुकोतान इल अरबाह खसा। लहद उल अरख सहकब ओशकर खाती नमगहा सा। हम महिमा से महिमा की तरफ बढ़ते जा रहे परमेश्वर,
मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे शरीर को जो लोग पहचानते हैं खुदा परमेश्वर, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं खुदा। उन्होंने मेरे शरीर को देखकर मेरा न्याय किया है पिता, उन्होंने मेरे शरीर को देखकर मुझे तुच्छ जाना या मुझे आदर किया है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मेरा परमेश्वर के साथ मेरे आत्मा में क्या क्या हो चुका है। रबान तखा सह कब आसहेल और बहु को सी अल आहतान एक अब आशा रह खतीन अरे बहक से कब आसहेल और बहा कसा। मेरे बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है खुदा, जो कुछ भी है वो आधी और अधूरी है खुदा परमेश्वर। इसके लिए पिता परमेश्वर उनके कारण मैं क्यों परमेश्वर खेदित हो जाऊँ, उनके कारण मैं क्यों परमेश्वर अपने आनंद को बढ़ाओ, उनके द्वारा मेरा आनंद क्यों बढ़े, उनके द्वारा मेरा आनंद क्यों घटे मेरे परमेश्वर। अब फादर गॉड, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है मेरे बारे में बोलने के लिए, जो कुछ भी है वो सब आधा और अधूरा है। रबान तिखा सह कब उसहाल रबहा कसा अदन किन बह कब उशारा खा सह कब नहाल रबहा कसा। मैंने ऐसा क्यों किया और मैंने ऐसा क्यों कर रही हूँ ये मेरा परमेश्वर और मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है, उसका आत्मा जानता है, क्योंकि उसने मुझे बुलाया, उसके राज्य के लिए मुझे बुलाया। मैंने ऐसा क्यों किया और मैंने ऐसा क्यों रहा ये सब कुछ वो जानता है और वो उसका जवाब है, वो उसका जवाब है, वो खुद जवाब देने के लिए आ जाएगा। मेरा परमेश्वर खुद जवाब देने के लिए आ जाएगा, मुझे किसी का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। रबान तिखा सह कब उजहाल रबहा खसा लह रखा सह कब ओशरहा खा तीन रबा खसा लाखा तन रखा सिह कम दोहल रहासा रदान एकम शखे बेरखे सी इकम नहल रबहा खसा अदिल रबखा सह कब ओशकर खाती नम कहा सी आंदुरा रिदान में खे सह कब रोहल रहा सी आंदुरा। अब परमेश्वर को जो मजाक में उड़ाएगा, जो मुझको देखकर मजाक में उड़ाएगा, जो मेरी अवस्था को देखकर मजाक में उड़ाएगा, वो परमेश्वर का न्याय पाएगा। क्योंकि अब ये पुनरुत्थान के बाद का समय है जहां पर एली को पुकारने वाला एली का सहायक बनकर एली की ओर से कोई ना कोई आ ही जाता है और वो उसके शत्रुओं का वो बदला लेता है। अब फादर गॉड, तू मेरे लिए बदला लेने वाला परमेश्वर है, तो मुझे किसी से क्या डर खुदा परमेश्वर। तू मेरे लिए आवाज़ उठाने वाला परमेश्वर है, तो मुझे किसी के साथ विवाद करने की क्या ज़रूरत मेरे परमेश्वर। रबान तिखा सह कब उजहाल रबहा खसा लहद उल रखा सह कब उसहील रबहा खसा लहद उल रखा सिह कब उहकर खाती न मगहा सियांदुरा रिदान इखब ओहताल रबहा खसा। मैं तेरे गुण गाऊँगी खुदा और मैं तेरे सच्चाई का बयान करूंगी खुदा परमेश्वर और मैं तेरे मार्ग के ऊपर चलते रहूंगी खुदा परमेश्वर और मैं तेरे समझदारी के साथ जीती रहूंगी खुदा परमेश्वर। रबान तिखा सह कब उजहाल रबा खासा अदीन आखब उशा रखा तीन रुबा खा सह कब नहुल रहासा रिदान एखब ओहताल रबा खासी आंदुरा रिदान मखे शरा खा सह कब रहुल रहा सी आंदुरा रिदिन एखब ओहताल रबा खा सह कब रहुल रहा सी आंदुरा अदकिन बह कब हुदियान तुर कम्बर खाल रबा खासा अदान मख शरब खा सह कब रहुल रहा सियांदुरा रिदेन एखब ओहकर खाती न मगहा सियांदुरा रिदान मख तिल रुबा खा सह कब रहा रुबा खसा। जब तो मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया, मेरे गुनाहों को खोल कर दिखाने वालों के पास मेरे लिए कोई परमेश्वर जवाब नहीं है। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। वो उस जगह में मुझे ढूंढ रहे हैं जहाँ पर मैं नहीं हूँ। रबान तिखा सह कब ओसहाल रबहा खसा लह को तेन रखा सिह कब ओहकर खाती न मगहा सियांदुरा रिदान इखब ओहकर खाती न मगहा सियांदुरा रिदान इखब ओहका तान इखब ओहकर खाती न मगहासा। वो उस परमेश्वर पिता उस दलदल के अंदर जाकर वो अपने आप को गंदा कर रहे हैं खुदा मेरे परमेश्वर। वो मेरे गलती गुनाहों को ढूंढने के चक्कर में वो खुद दलदल में फंसते जा रहे हैं खुदा। शबातकिन एखब ओहसहाल रबहा खा सियांदुरा रिदान एखब ओहकर खाती न मगहा सियांदुरा और उसमें से निकलना मुश्किल पड़ता है, ये उनको अभी तक समझ नहीं आया है। अबातकिन एखब ओहसहाल रबहा खा सिह कब रहाल रबहा खसा लहद उल रखा सह कब रहाल रबहा खसा। जो पवित्रता को पहन लिया है, जो उजियाले को धारण कर दिया है, उसके सारे काम उजियाले के नीचे लाए जा
जाते हैं ताकि वो उजियाले में परखे जाए। मेरा परमेश्वर मेरे सारे कामों को परखने वाला परमेश्वर है, उसका उजियाला मेरे कामों के ऊपर छाया हुआ है, मेरे काम परमेश्वर के उजियाले में उघाड़े रखे गए हैं और वो मेरा परमेश्वर है मेरे लिए बोलने वाला। रबान तिखा सहकबो जहाल और बहा खासा उदान खिन बहकबो दियान त्रुखम बरखाल और बहा खासा और आखा तीन अखब उश्कर खाती न मगहासा। मेरे बारे में परमेश्वर पिता मेरे विचारों को लेकर मेरे सोचों को लेकर जो भी निंदा अपमान किया जाता है जहाँ कहीं पर भी पिता परमेश्वर मेरे बारे में झूठे व्यवहारों को पिता परमेश्वर सामने लाकर दिखाया जाता है वो सब कुछ परमेश्वर तेरा सामना कर रहे हैं क्योंकि पिता परमेश्वर मैं वहाँ पर नहीं हूँ खुदा, वो सब कुछ दलदल के अंदर पड़ा हुआ है और वहाँ पर मैं नहीं हूँ खुदा परमेश्वर। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। रबान तिखा सहकबो जहाल रबहा खसा, मैं तुझ में आनंदित हूँ मेरे परमेश्वर, मैं तुझ में आगे निकल आई हूँ खुदा परमेश्वर, मैं जिस स्तर पर होना चाहिए उस मार्ग के लिए मैं आगे निकल चुकी हूँ खुदा परमेश्वर और मेरा पीछा करने वाले हार चुके हैं खुदा परमेश्वर, मुझे ढूंढने वाले हार चुके हैं खुदा परमेश्वर और मुझे पिता परमेश्वर किसी भी बात में पिता जो मुझे जलील करना चाहते हैं, मुझे गिरते हुए हालातों में देखना चाहते हैं वहाँ से मैं निकल चुकी हूँ खुदा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे परमेश्वर ने मेरे आगे आगे रास्ते बना दिए हैं, मेरे परमेश्वर ने सब कुछ अरेंज कर दिया है, मेरा परमेश्वर मेरी रोशनी है, मेरा परमेश्वर मेरा उजियाला है, मेरे ऊपर उसका उजियाला ठहराया हुआ है ताकि मैं अंधेरे के घेरे में ना पड़ जाऊँ, ताकि मैं कोई गलत फैसला ना ले लूँ, ताकि मेरे द्वारा कोई किसी भी बात में कोई खेदित और कोई अटक ना जाए। मेरा परमेश्वर मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है, मेरे कारण वो किसी को भी गिरने नहीं देगा, मेरे कारण वो किसी को भी पाप करने नहीं देगा, मेरे कारण वो किसी को भी किसी भी गलत धारणाओं में गलत भावनाओं में जाने नहीं देगा क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है और मैं उसके संगति में पवित्र हूँ। रबान तिखा सहकबो जहाल रबहा खासा, पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ में है। रबान तिखा सहकबो जहाल रबहा खासा, लहद उल अरख है सहकबो उशहारा खातीन रबा खासा, मेरा शरीर मेरा गुलाम करने के लिए है, मेरी गुलामी में है, मेरा शरीर मेरी गुलामी में है, मेरा सर्वेंट है, मेरा शरीर मेरा सर्वेंट है, वो मेरे लिए परमेश्वर के काम करने के लिए है, वो मेरे लिए परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए है, वो मेरे लिए परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने के लिए है, वो मेरे लिए परमेश्वर को दर्शाने के लिए है, वो शरीर मेरा परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है और इसके साथ मेरा परमेश्वर डील करता है, इसके साथ मेरा परमेश्वर न्याय करता है, इसके लिए मेरा परमेश्वर आकर बात करता है, मेरी ओर से वो बात करता है। मेरा शरीर असहाय नहीं है, मेरा शरीर उपद्रवी नहीं है, मेरे शरीर के ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद है, मेरे शरीर के साथ परमेश्वर की शांति है, मेरे शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता रहता है, मेरे शरीर में परमेश्वर की आवाज़ घूमती रहती है, मेरा परमेश्वर मेरे शरीर से प्रेम रखता है, मेरे शरीर का आदर करता है, मेरे शरीर के साथ संगति में उसके स्वर्ग दूतों को देता है, उसके आत्माओं से वो मेरे शरीर की पहुनाई करता है, मेरे शरीर की ज़रूरतों को वो पूरा करता है, मेरे शरीर के लिए वो डिवाइन हेल्पर्स देता है, मेरे शरीर को वो डिवाइन मार्गदर्शन देता है, मेरे शरीर को वो डिवाइन एडवाइसेस देता है, मेरे शरीर को वो डिवाइन टीचिंग्स देता है, मेरे शरीर को इन्फॉर्मेशन से भरता है, डिवाइन इन्फॉर्मेशन से भरता है, मेरा शरीर ज्ञान बुद्धि समझ में भरपूर रखता है ताकि मैं वही करूं जो मेरा परमेश्वर चाहता है। रबान तिखा सहकबो उसहाल रबहा खासा, मेरा शरीर अड़ंगापन नहीं करता है, मेरा शरीर रिबेलियस नहीं है, मेरा शरीर स्टबर्न नहीं है, मेरा शरीर हम्बल है, मेरा शरीर परमेश्वर के लिए हम्बल हार्ट रखा हुआ है, उसने अपने आपे को परमेश्वर के सामने रख दिया है और उसी के आपे में वो जीता है, मेरा परमेश्वर उसके लिए महान है, मेरा परमेश्वर मेरे शरीर के लिए ग्रेट गॉड है, मेरा शरीर परमेश्वर की आराधना के लिए है, मेरा शरीर परमेश्वर के सामने घुटने टेकने के लिए है, मेरा शरीर परमेश्वर के सामने हाँ में हाँ मिलाता है, ना में ना मिलाता है,
मेरा शरीर परमेश्वर को पसंद करता है, मेरे शरीर में परमेश्वर निवास करने के लिए उसका आत्मा दिया है। रबांत खा सह कपो सहाल रबाह खसा लहतुल अरेखे शराबा खसी कब्बरहुल रहासा रदान में खे सह कब्बर हाल रबाह खसे सियांदुरा। मेरे शरीर के मांसपेशी हड्डी और हर प्रकार के लिक्विड फ्लूइड्स हर एक सॉलिड्स मेरे शरीर के अंदर से मेरा परमेश्वर के मेहरबानी से है। मेरे परमेश्वर ने उसको निटिंग किया है, मेरे परमेश्वर ने उसको बुनाई की है, उसके लिए वो सब कुछ करके रखा है, स्ट्रक्चर में करके रखा है, उसने वो सब कुछ करके रखा है। मेरा परमेश्वर जानता है उसने ऐसा क्यों बनाया है मुझे। रबान तिखा सह कबो सहाल रबाह खसा अदन किन बह कबो दियांत्र खम्ब रखा लरबाह खसा लाद उल रखा सह कब ओहकर खाती नमक गहसा। जब मैं दूसरों के सामने खड़े होती हूँ तो मेरे अंदर से मेरा परमेश्वर चमकता है, मेरा परमेश्वर का महिमा चमकता है और मेरे अंदर से परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि समझ फूट निकलती है और परमेश्वर ऊंचा रहता है। मेरा परमेश्वर मेरे शरीर में से मेरी आवाज़ बनकर आता है, मेरी आंखों में से मेरी दृष्टि बनकर आता है, मेरे कानों में से मेरे सुनने वाले आवाज़ बनता है और मेरे मुँह से वो परमेश्वर के शब्दों को बोलने वाला बनता है और मेरे सारे बदन से वो धर्म के कामों को करता हुआ पाया जाता है। मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा खुश है, वो प्रसन्न है मेरे द्वारा, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है और वो उसे चाहता है कि लोग चाहे समझे कि वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हर भलाई का वो प्रतिफल देता है। मैं भलाई करते नहीं थकूंगी और मैं भलाई करते नहीं थकूंगी क्योंकि मेरा परमेश्वर समय पर प्रतिफल लेकर आता है। मेरा प्रतिफल मैंने पूरा करके रखा है, मेरा परमेश्वर उसे देने के लिए आ रहा है। रबांत खा सह कबो सहाल रबाह खसा स्वर्ग में धन इकट्ठा करो ऐसा मेरा परमेश्वर कहता है, ऐसा मेरा वचन परमेश्वर का वचन कहता है। स्वर्ग में धन इकट्ठा करके रखो, मैंने धन इकट्ठा करके रखा है, मैंने जो करके रखा मेरे धर्म के कामों के द्वारा मेरा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो चुका है। शबर तीन अरखा सह कबो सहाल रबाह खसा उसे काई नहीं लगती है, उसे जंग नहीं पकड़ता है और उसे कोई कसर खा नहीं जाता है। मेरा परमेश्वर मेरे संगति में उस धन को बनाने के लिए मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। किसी को एक टैलेंट दिया था, किसी को दो टैलेंट दिया था और किसी को पांच टैलेंट मिले थे, एक ने छुपा के रखा और वो अंधेरे के अंदर ढकेल दिया गया। मेरे परमेश्वर ने मुझे दो और पांच टैलेंट वालों की तरह बनाया, मैंने उसे बढ़ा दिया, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने परमेश्वर के कामों को बिजनेस की तरह फैला दिया, मैंने उसके कामों को फैला दिया, मैंने उसके आवाज़ को फैला दिया, मैंने उसके सारे चरित्र को फैला दिया, मैंने उसके कहने को फैला दिया, मैंने उसके संगति को फैला दिया। मेरे द्वारा परमेश्वर रिलीज हुआ है इस पृथ्वी के ऊपर, परमेश्वर रिलीज हुआ है, मेरे द्वारा परमेश्वर को प्राप्त किया है लोगों ने। मेरा परमेश्वर मुझसे खुश है, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, मेरे शरीर के लिए परमेश्वर प्रसन्न है क्योंकि मैंने उसके राज्य के लिए मेरे शरीर को बो दिया। और रबंत खा सह कबो जहाल रबाह खसा उसका ईमान मेरे अंदर है, उसका फेथफुलनेस मेरे अंदर है, उसकी इंटीग्रिटी पावर मेरे अंदर है, विश्वास योग्य परमेश्वर की विश्वास योग्यता उसका कैरेक्टर है वो मेरे अंदर है। मैंने परमेश्वर को पाया है, मैंने परमेश्वर के सच्चाई को पाया है, उसके सच्चाई के आत्मा से मैं भरपूर हूँ। रबान तिखा सह कबो सहाल रबाह खसा मुझ में ओवरफ्लोइंग सच्चाई का आत्मा है, मुझ में ओवरफ्लोइंग सच्चाई का आत्मा है और इसके लिए कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, मेरी बातों को लेकर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है क्योंकि मेरा परमेश्वर का आत्मा ओवरफ्लोइंग सच्चाई का आत्मा मुझ में से उमड़ कर बहता है। बांतिका सह कबो सहाल रबाह खसा रदान में खे सह कब असहील रबाह खसा
रिदिन एक बहुशकर खाती न मगहासा रदान मेख सह कब उसहाल रुपहाकासा शबद किन बह कब हो दियान तु रखासा लाद उल अरख सह कब रहुल रहासियान दुरा रिद आल एखब ओहुशकर खाती न मगहो सी इन तरहाल रुपहाकासा अद इल इरे बेख सह कब ओहुशकर खाती न मगहासा अद किन बह कब हो दियान तु कहासा हा सह कब उसहाल रुपहाकासा अद किन एखब ओहुसहा लर बहका सी हिम ओहुशकर खाती न मगहासा लाद उल अरख सी हिक ओहम हल्ला रहा सहा लर बहो को से अदकिन बहकब हुदान इकब ओशकर खातीन इकब ओशकर खाता न मगहो सियान दुरा दहद उल अहकब ओसहा लर बहा का सा सियान दुरा। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर, मेरा शरीर पवित्रता के लिए बोया गया है, मेरा शरीर पवित्रता के लिए बोया गया है, मेरा शरीर पवित्रता के लिए बोया गया है, धर्म के कामों के लिए बोया गया है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। रबांति आहस्य है कब उसहाल रुबहा कस्सा शबिर खतीन रुबा खस्य है कब उसहाल रुबहा कस्सा अस एहकब नहुल रहा सिंहस खुल बरखा सिंहत रहा लुबहा कस्सा। और भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ खुदा, जब तू मेरे साथ है तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु लव मी फर्स्ट। मेरे परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा, सबसे पहला जिसने मुझसे प्रेम किया, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। रबांतिखा सहकबो सहाल रुबाह खसा, मेरे लिए सब कुछ संभव है खुदा परमेश्वर। रबांत आसोहुल रहा सा स्किन आख बोहुशा रखा सा लहद उल अरे खसी ही कम बोहुशा रखा तान इखम ओताल रुबाह खसा अद इल अर बहुसी साहिस कुन बहकतान इल अह बहुसी हिकब रहा लर बहकसा अद एहल बहु शराखा से साहिस कुन बहतान इल अह बहुसी हिन तरह लर बहु कोसा रदान एखब ओहुशकर खातीन अम ओहुसा हसा सा लह लह कसी इकब ओहतान इल अह बुकतान इर अब खसे। मेरे परमेश्वर मैं किसी का नहीं लेकिन मैं तेरे लिए हूँ खुदा, मैं किसी कारण से नहीं लेकिन मैं तेरे कारण हूँ खुदा, मैं किसी के पिता इंतज़ार में नहीं लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के इंतज़ार में हूँ खुदा। रबांत आखब ओहशा रखा सिंह कबो रहो लरहसा रदीन अखब ओहशा रखा तीन अखब ओहता लरबहा खसा लाद उल अरखा सह कब ओहशा रखा तीन अखम बहुसा लाद उल अरख सह कब रहो लरहसियांदुरा रिदान इखम ओहुशकर खाती न मगहु सिहा लरुबाह खसा लहद उल अरख सह कब रहुल रहा सियांदुरा रिदान में खस सह कब नहुल रहा सियांदुरा। मेरा मन तुझे ढूंढता है खुदा, मेरा मन तुझे ढूंढता है खुदा परमेश्वर। मेरे समझ में तू आ खुदा परमेश्वर, मेरे समझ की गहराई में और बढ़ जा मेरे परमेश्वर, मेरे बुद्धि की गहराई में और बढ़ जा तू खुदा, मेरे ज्ञान के परमेश्वर पिता गहराई में और भी बढ़ जा खुदा परमेश्वर, मेरे कॉन्शियसनेस में और गहराई में आ जा तू खुदा, मेरे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में और गहराई में तू आ जा खुदा परमेश्वर। अभी तक मैंने जितना तुझे समझा है मैं उससे भी ज्यादा तुझे समझने लगूं खुदा, उससे ज्यादा गहराई में मैं तेरे करीब रहूं खुदा परमेश्वर, मैं तेरे अंदर घुल मिल जाऊं खुदा परमेश्वर, और तुझे छोड़ मैं और किसी बात में अपना ध्यान न लगाऊं खुदा। मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर दे खुदा परमेश्वर कि मैं तुझको छोड़ और किसी बात में अपना मन न लगाऊं खुदा परमेश्वर। रबांत इखब असहेल रबहा का सिहिम बरहुल रहा अदीन आखब ओहुशा रखा तीन आखब ओहुल रहा सियांदुरा लदील ले बेखसे लहा का तीन इखब ओहुशा रखा सा दहद उहल रहा सह कब नहुल रहा सी कब रहा लरुबाह का सा। धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर। रबान तिखा सह कबो जहा लरुबाह का सा धन्यवाद करती हूँ आबा फादर गॉड, धन्यवाद करती हूँ आबा फादर गॉड, धन्यवाद करती हूँ आबा फादर गॉड। मुझ में तू बढ़ता जा परमेश्वर और मैं घटते जाऊँ, प्रभु यीशु मसीह मुझ में बढ़ता जा, पवित्र आत्मा मुझ में तो भरता जा और मैं अपने खुदी में घटते जाऊँ। रबांतिखा सह कबो सहाल रबहा खासा अद एल अर बहु को सी खब रहुल रहा सियांतु रखासा रिदान मख सह कब ओ सहाल रबहा खासा अखतीन अखब ओहुशा रखा सह कब नहुल रहासा। मेरे परमेश्वर मेरे लिए तूने वही इंटरेस्ट रखे हैं जो तू चाहता है कि मैं उसके अंदर जीऊँ खुदा परमेश्वर, मेरे अंदर तूने वही पसंद को रखे है खुदा जो तू चाहता है कि मैं उसमें पूरे पूरे अपने मन को लगाकर उसको पूरी तरह से जी पाऊँ खुदा। धन्यवाद करती हूँ खुदा, जो मुझे पसंद नहीं है खुदा तो परमेश्वर इसीलिए उसको वैसा रखा है क्योंकि तू चाहता है
कि मैं उन बातों में ना जाऊं खुदा। धन्यवाद करती हूँ जो मेरे अंदर पसंद नहीं ऐसी बातें हैं खुदा, वो इसीलिए है क्योंकि वो मेरे लिए तूने ठहराए हुए मार्ग नहीं है। थैंक यू आबा फादर गॉड, धन्यवाद करती हूँ आबा फादर। रबांति आह खुशी ही कबनाह लरबाह कस्सा, धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर। मेरे अंदर से तो उजियाला होने के लिए धन्यवाद करती हूँ, मेरे अंदर से अंधेरे को हटाने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर तूने जीवित पानी का झरना मुझ में से फूट निकलने दिया है, धन्यवाद करती हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मेरी बिनती प्रार्थना को सुन और कबूल कर, नासरी यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर को मैं मांगती हूँ। आमिन आमिन आमिन। थैंक यू आबा फादर, थैंक यू जीसस। रिबांत यह खसे कब्र हुला रहा रदिन अखब ओहुशकर खाती नमक हसा, मुझ में भर जा परमेश्वर की आत्मा, मैं कुछ नहीं समझना चाहती हूँ, मैं अगर कुछ जानना चाहती हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे परमेश्वर को जानना चाहती हूँ, मेरे खुदा को मैं जानना चाहती हूँ। मुझ में भर जा खुदा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा परमेश्वर चाहिए। मुझ में वो भरता जाए, मुझ में वो ऊंचा होता जाए, मुझ में वो प्रसन्न रहे, मुझ में वो आनंदित हो जाए, मुझे वो अपने संतान कहने का वो फक्र महसूस करे। मेरा परमेश्वर मुझे मिले, मेरा परमेश्वर मुझे चाहे, मेरा परमेश्वर मुझ पर छाया रहे। रबांत अहकबोसी लरबाह कस्सा, थैंक यू आबा फादर गॉड, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर। मेरी आराधना को स्वीकार पिता, मेरे आनंद को स्वीकार परमेश्वर। मेरी इच्छा तेरी ओर से है, ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास देने के लिए मुझे धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू आबा फादर गॉड, थैंक यू लॉर्ड। नासरी यीशु के नाम में सारी बातों को, बिनतियों को पिता परमेश्वर से मांगती और बोलती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।